वेलकम टू नेहा टेस्टी रेसिपी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्राउन ब्रेड पिज्ज़ा। एक्चुअली जरा सर आपको पता है कि बच्चे जो है वो कच्ची सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, गोभी शिमला मिर्च नहीं खाते, तो मैं आज पिज्ज़ा सब्जी पका के कैसे बनाते वो दिखाऊंगी। और साथ साथ ही टोमेटो का सॉस जो घर में बनता है बहुत ही टेस्टी लगता है वो सॉस, तो वो भी दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पिज्ज़ा एंड सॉस बनाने के लिए, देखेंगे इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। लौंग, मिरी, दालचीनी, घी, चाट मसाला, पत्ता गोभी बारीक कट किया हुआ, पानी पूरी मसाला, पाव भाजी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, शिमला मिर्च 2, टमाटर 2, चीज़ स्वाद अनुसार, नमक, टोमेटो, पोटैटो बीट एंड पेस्ट की हम यहाँ पे टोमेटो सॉस बनाएंगे एंड ब्राउन ब्रेड का पिज्ज़ा बेस। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टोमेटो सॉस के लिए टमाटर, आलू, बीट एंड पेस्ट को काट के कुकर में डाल देंगे और फिर उसमें डाल देंगे हम दालचीनी, मिरी एंड लौंग और उसको 3 से 4 सीटी देके उबाल लेते हैं। अभी हम पिज्ज़ा की सब्ज़ी बनाते हैं इसलिए हम पॉट में डालेंगे घी, इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। आफ्टर 3 मिनट इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च, टमाटर और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक डालना है इसमें। मैं इसमें बटर भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। मिक्स करके हम 5 मिनट इसको कवर करके रखेंगे। इसमें डाल देते हैं अभी हम काली मिर्च पाउडर। पानी पूरी मसाला, चाट मसाला, पाव भाजी मसाला डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रखिए हमने स्टार्टिंग में भी नमक डाला था, तो हम उसको मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। अभी टोमेटो सॉस बनाते हैं इसके लिए कुकर में हमने जो उबाल लिया था उसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अभी इसमें डाल देंगे हम शक्कर, रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा गाढ़ा बनाना है हमें। टोमेटो सॉस तैयार हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं इसलिए पिज़्ज़ा बेस पे हम टोमेटो सॉस लगाएंगे चारों ओर अच्छे से। इसके ऊपर सब्जी रख देंगे, अच्छे से स्प्रेड करके रखें सब जगह पे एंड चीज़ को ऊपर से ग्रेट करके डालेंगे। अभी पिज़्ज़ा को हम पैन में रखेंगे फ्राई करने के लिए और इसको 5 मिनट के लिए ढक के स्लो फ्लेम पे रख देंगे। इस तरह से सारे पिज़्ज़ा बना लेते हैं हम। ये 2 पिज़्ज़ा ओवन में भी बना लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस करना है हमें।
अभी ये दो पिज़्ज़ा हम ओवन में रखेंगे। एक मिनट के लिए हमें लगाना है ओवन में, पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। एक मिनट हो चुका है, देखिए ओवन में पिज़्ज़ा तैयार है और हमारा फ्राई पैन का भी पिज़्ज़ा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस तरह से आप एकदम फटाफट फ्राई पैन और ओवन में पिज़्ज़ा बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा, हमने गेहूं का पिज़्ज़ा भी यूज़ किया है, तो ये शरीर के लिए अच्छा भी है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा बना के देखिए और कमेंट बॉक्स पे हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन पे आप क्लिक करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।